Hello guys, welcome back again our YouTube channel. तो friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है like operator and wildcard in MySQL. Like operator and wildcard होती क्या है और हम इनका यूज क्यों करते हैं और कहाँ पे हमें इनका यूज करना चाहिए, ये आज पूरा आज के सेशन में हम कवर करेंगे. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि like operator होता क्या है. The like operator is used इन अ वेयर क्लॉज. तो ये वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम. तो ये क्या होता है, जो आपका स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसमें क्या करता है, आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करने के लिए वेयर क्लॉज के साथ इसका यूज किया जाता है. इट अलाउज फॉर मोर फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग मैचिंग देन द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑपरेटर. तो क्या करता है यहाँ पे, ये क्या करता है, अलाउ करता है क्या, जो आपका मैचिंग है, जो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग में है मैचिंग करने के लिए. तो आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ, ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल है. तो सिलेक्ट स्टार फॉर्म, ये आपको पता है किस चीज के लिए यूज होता है. एंड यूजर्स आपका टेबल नेम है, वेयर इसमें अब है वेयर वेयर नेम, इसके बाद आएगा हमारा वेयर क्लॉज के बाद इसमें नेम है वेयर नेम लाइक. यहाँ पे देखिए आप लाइक ऑपरेटर के साथ जो आपका ये सिंबल है परसेंटेज का, इसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर. तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा. तो ये जे है तो इसका मतलब है कि वेयर नेम जो जे जे से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जे से स्टार्ट होंगे. और चलिए मैं आपको वैसे लाइक ऑपरेटर में मोस्टली हम टू ही वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं, एक हम परसेंटेज सिंबल का, दूसरा हम अंडरस्कोर का. ये दो लाइक ऑपरेटर के साथ होता है. और जो वाइल्ड कार्ड्स है वो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ ही उनका यूज किया जाता है. चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको वाइल्ड कार्ड क्या होता है. वाइल्ड कार्ड आर स्पेशल कैरेक्टर यूज्ड इन कंजक्शन विद द लाइक ऑपरेटर. तो ये क्या होता है, एक कंजक्शन होता है किसके साथ, लाइक ऑपरेटर के साथ. इसका यूज किया जाता है फॉर सर्च पैटर्न इन स्ट्रिंग डेटा. जो आपके स्ट्रिंग डेटा में उसमें जो पैटर्न है उस चीज को सर्च करने के लिए आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज किया जाता है. तो हम जो ये परसेंटेज साइन है इसको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं. तो इसका यूज कहाँ पे होगा, जहां पे आपको क्या करना होगा, मल्टीपल कैरेक्टर अगर आपको सर्च करना है मोर देन वन, तो यहाँ पे किस चीज का यूज होगा, आपका परसेंटेज का यूज होगा. यूज फॉर मैचिंग एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. तो ये क्या करेगा आपका, यूजफुल फॉर मैचिंग एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. जो आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है उसके लिए काफी यूजफुल होगा ये. तो यहाँ पे देखिए आप वेयर नेम लाइक जो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कोर्स के अंदर ए अगर इसके बाद परसेंटेज का जो सिंबल है तो उसको हम बोलेंगे वाइल्ड कार्ड. ये आपका लाइक ऑपरेटर हो गया, लाइक ऑपरेटर आपका यूज होगा. मैंने अभी आपको बता दिया लाइक ऑपरेटर आपका क्यों यूज होगा. देन इसके बाद आता है आपका यहाँ पे अंडरस्कोर. अंडरस्कोर का यूज क्यों होगा, अंडरस्कोर आप देखिए जो अंडरस्कोर है वो लाइक ऑपरेटर किसके लिए करेगा, सिंगल कैरेक्टर को सर्च करने के लिए करेगा. जैसे सिंगल कैरेक्टर आप समझ रहे हैं ए, ये तो ओनली ए ही वाला नेम ये देगा. यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए ए के साथ अंडरस्कोर आ चुका है और उसमें फोर फोर दे दिए हैं. जो आपका कैरेक्टर है तो कितना होगा, जो कैरेक्टर की लेंथ है वो क्या होगी, फोर ही कैरेक्टर लॉन्ग होगा, बट स्टार्ट किससे होगा, ए से. तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये देखिए आप वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे जो डैश ये आप अंडरस्कोर समझिए, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर होंगे, फोर ही कैरेक्टर होंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट इसमें क्या होगा, जो आपका परसेंटेज में इसमें आप मल्टीपल कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं. देन जो हमारे पास आता है दूसरा वाइल्ड कार्ड है वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है. तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज क्यों होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मैच एनी सिंगल कैरेक्टर विद इन द ब्रैकेट. जो क्या करेगा आपका, जो ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं. बट मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो इसका यूज है MySQL में, ये लाइक ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करता है, बट किसी जो SQL के डेटाबेसेस हैं जैसे SQL सर्वर उसमें आपका वर्क कर लेता है. फॉर MySQL consider using a regular expression with reg xcp. तो यहाँ पे reg xcp यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे reg xcp आप समझ सकते हैं. तो इसका यूज किया जाता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट जो वाइल्ड कार्ड है इसके लिए. तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो इसके अंदर स्टोर है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अगर ये ए के साथ कहीं पे भी मैच खा रहा है तो आपको ये आउटपुट दे देगा. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आर आउट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए के बाद ए आ रहा है, देन ए के बाद ए ई आई ओ यू, जो भी आएगा वो इसके साथ यहाँ पे क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा. एंड जो इसके बाद है तो यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे कैरेट एंड हाइफन. तो इसका यूज कहाँ पे हुआ, कैरेट एंड हाइफन का, तो आप कैरेट
एंड हाइफन से आप ये समझ सकते हैं, ये आपको क्या क्या देगा, कैरेट का यूज होगा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी आप इसका यूज करेंगे तो ये होगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका यूज होगा। बट क्या करेगा कैरेट, जो कैरेट कैन इंडिकेट नेगेशन, जो आपका नेगेशन है इसको आप इंडिकेट करता है, एंड द हाइफन कैन डिफाइन अ रेंज ऑफ कैरेक्टर, हाइफन क्या देगा आपका कैरेक्टर का रेंज देगा, एंड आपका यहाँ पे अगेन यूजेस है नॉट एप्लीकेबल इन स्टैंडर्ड माई एसक्यूएल लाइक बट यूजफुल इन अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आप इसको माई एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर के साथ यूज नहीं कर सकते, आप इसको कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ इसको यूज कर सकते हैं, ये भी एक ऑपरेटर ये, तो आप इसके साथ वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकता है। देन इसके बाद है आपका यहाँ पे आएगा आपका ब्लैक बैक स्लैश, तो बैक स्लैश का यूज कहाँ पे होगा, तो बैक स्लैश का यूज होगा आपका अगर आपको किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को अगर आपको लेना है या तो आपका उसका यहाँ पे देखिए एस्केप कैरेक्टर यूज टू ट्रीट स्पेशल कैरेक्टर एज लिटरल्स, तो जो लिटरल्स मैंने आपको आपका अगर पाइथन वाला सीरीज देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि लिटरल्स क्या होता है, तो वहां पे ये स्पेशल कैरेक्टर इसका काम कर देगा। तो यहाँ पे देखिए व्हेन यू यूजेस होगा इसका यूज व्हेन यू वांट टू सर्च फ्रॉम अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर लिटरली, तो आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये लाइक है 50% क्या होगा जो मैच करेगा वो 50% एग्जैक्टली इसमें मैच कर देगा जो आपका बैक स्लैश में है। एंड इसके बाद जो हम पे आता है तो ये लास्ट हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, व्हाइल नॉट ट्रेडिशनल वाइल्ड कार्ड रेगुलर एक्सप्रेशन अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न मैचिंग, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या देगा आपको, जो आपके मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न है उनको आपको मैच करने के लिए दे देगा, तो यहाँ पे आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैच एनी सिंगल करेक्टर, तो उसके लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं, जो भी आप डॉट है आप ये समझिए फुल स्टॉप समझिए आप इसको, तो वहां पे किसी एनी सिंगल करेक्टर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ आप इसका यूज करेंगे, और जो आपका स्टार वाला है तो इसका यूज करेंगे हम किसमें मैच जीरो और मोर एक्यूरेंस ऑफ द प्रीसीडिंग कैरेक्टर, तो आपका यहाँ पे यूज होगा। देन आपका प्लस वाला है मैच वन और मोर वन, तो आप ये फर्स्ट वाले में आप समझिए ये किसी भी सिंगल वाले से क्या कर लेगा मैच कर लेगा। देन जो सेकंड वाला है तो ये जो पिछला जो कैरेक्टर है उससे आपका या उससे क्या होगा जीरो या उससे क्या होगा ज्यादा होगा, उस कंडीशन में आपका मेल कर देगा मैच कर देगा। देन जो इसके बाद सेकंड वाला है तो सेकंड वाले में क्या है जो आपका पीछे वाला कैरेक्टर है उससे क्या होगा मैच वन और मोर, तो यहाँ पे क्या कर लेगा जो पीछे वाला प्रीसीडिंग कैरेक्टर है उससे अगर आपका एक और एक से ज्यादा अगर है तो उसमें मैच कर देगा, जो आपका क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क क्या कर देगा जो आपका प्रीसीडिंग कैरेक्टर है तो उसमें क्या होगा अगर उसमें जीरो और उससे ज्यादा है तो ये क्या कर लेगा मैच कर लेगा। चलिए मैं आपको आप साइज से डेफिनेशन से आपको समझना है बट मैं क्या करूंगा आपको इसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा। तो हम चलते हैं MySQL में, तो फ्रेंड ये है MySQL का इंटरफेस, मैं ऑपरेटर वाले पे क्लिक करूंगा तो ये मैंने पहले ही खोल रखा है, तो यहाँ पे ये हमने डेटाबेस आपने देखा होगा इससे पहले वाले सीरीज में, तो यहाँ पे हमने इसको हमें इसे खाली यूज करना है, ये हमने पहले ही सेट किया हुआ था तो मैं इसको कर लूंगा यूज। एंड यहाँ पर से क्या लूंगा मैं इसमें नई फाइल ले लूंगा SQL की, तो इसमें अब हम क्या करेंगे आपका लाइक ऑपरेटर, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा इसमें लाइक ऑपरेटर के साथ आपके वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका फाइन एम्प्लॉई, मैं इसको डाल देता हूँ अभी EMP इन द सेल्स डिपार्टमेंट, तो हम डाल देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, तो हम किस चीज का यूज करेंगे हम यहाँ पे लाइट ऑपरेटर के साथ हम क्या बोलते हैं आपका वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फॉर्म, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फॉर्म, किसमें हमारा एम्प्लॉयज में है, तो ये आपका एम्प्लॉयज आ चुका है, तो इसमें हम क्या देखेंगे इसमें हम करेंगे सबसे पहले वेयर डिपार्टमेंट में है जो हमारा डिपार्टमेंट में हम उसका नेम देखेंगे लाइक, हम यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे लाइक, मैंने आपको बताया था जो भी आप वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे वो किस में आएगा आपका कोट्स के अंदर आएगा। एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको परसेंटेज के सिंबल के साथ
मैं करूंगा इससे रन। तो चलिए इसको रन करके आप आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर लेगा, जो भी डिपार्टमेंट सेल्स है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट, इस टाइम हमने क्या लिया डिपार्टमेंट एस है, तो यहाँ पे जितने भी एस से स्टार्ट होंगे डिपार्टमेंट तो वो आपको यहाँ पे फाइंड आ जाएंगे, आपका आउटपुट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड अब इसके बाद हम देखते हैं क्या नेम, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं एम्प्लॉय नेम स्टार्टिंग स्टार्टिंग विद ए। तो यहाँ आप देखिए जिन एम्प्लॉय का नेम आपका ए से स्टार्ट होगा तो मैं उनका नेम ले लूंगा। अगेन सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो कहां से लेंगे हम, अगेन एम्प्लॉय वाले से, एम्प्लॉय जो हमारी टेबल है यहां से, और अगेन इसमें वेयर क्लॉज का हम यूज करेंगे। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, नेम वाला कॉलम लूंगा एंड लाइक, इसके बाद आएगा हमारा लाइक, और अगेन यहाँ पे मैं क्या करूंगा ए के साथ मैं यहाँ पे ए डाल दूंगा एंड यहाँ पे कर लूंगा मैं इसको वाइल्ड कैरेक्टर के साथ, वाइल्ड कार्ड के साथ यूज। देन इसके बाद करूंगा मैं इसको क्लोज एंड यहाँ पे इसको रन करने के लिए अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ऊपर जाके हम इसको रन कर देंगे। तो ये देखिए जहां पे भी ए वाला नेम था तो अमन का हम पे नेम था, तो मैं आपको यहाँ पे अगर आपको इसमें डेटा में देख सकते हैं तो हमारी एम्प्लॉय की टेबल है, मैं इसको भी आपको यहाँ पे दिखा दूं, तो आपका ये है ए, तो इसमें ए कुछ है नहीं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है अमन। एंड अगर हम इसके स्टार्टिंग में अगर मैं यहाँ पे इसका यूज करूं, देन इसके बाद देखते हैं, तो ये देखिए तो ये क्या है, अगर आपका लास्ट में है तो इसका क्या है यूज, मैंने अभी आपको बताया, तो मैंने अभी इसका यूज करके बताया। अगर आप परसेंटेज का जो साइन है इसका अगर आप बिफोर कैरेक्टर करोगे तो ये आपको क्या देगा, जिसके लास्ट में होगा उसका दे देगा, एंड आफ्टर कैरेक्टर करोगे तो इसका क्या दे देगा, जिसका फर्स्ट में आएगा उसका दे देगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे हम, जो इसके बाद मैं करूंगा तो मैं यहाँ पे उन एम्प्लॉय का नेम लूंगा जिनकी क्या है पोजीशन क्या है सेकंड है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा जिनका आपका, तो यहाँ पे मैं आपको ये डाल देता हूं फाइन नेम वेयर आई इज द सेकंड कैरेक्टर। तो यहां पे आप समझ चुके होंगे जिनके क्या है नेम में, जो जिनके नेम का सेकंड कैरेक्टर आई है, तो यहां पे आप देख सकते हैं आई आ रहा है यहां पे। तो चलिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, ओनली आई वाला है तो यहां पे हम किस चीज का यूज करेंगे, आप अंडरस्कोर के साथ हम किसका यूज करेंगे, परसेंटेज का जो वाइल्ड कार्ड है दोनों लाइक के साथ यूज होते हैं। अगेन क्या करूंगा मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे और यहां से जो आपका एम्प्लॉयज है, आपका एम्प्लॉय वाले टेबल में है आपका एम्प्लॉयज, एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम सबसे पहले वेयर क्लॉज का यूज करेंगे एंड नेम, अभी हम सबसे पहले नेम लेंगे एंड इसके बाद हम करेंगे लाइक का यूज। एंड यहाँ पे कोट्स के अंदर सबसे पहले मैं दूंगा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद मैं क्या दूंगा यहाँ पे आई, तो मुझे सबसे पहले देखना है एंड इसके बाद का मुझे वर्ड देखना है देन आई। तो ये होगा हमारा कुछ इस तरीके से जो हमारी क्वेरी आई है, एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको रन। देन आप देख सकते हैं अगेन निशा और दीक्षा आ चुका है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे था हमारा कि उनके जिसका लास्ट का नेम ए हो तो यहाँ पे आ जाए, बट इसमें क्या है इसका क्या होगा सेकेंड कैरेक्टर होगा नेम का तो वो आई होना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया आई। एंड यहाँ पे अगर आप मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हम पे कुछ और भी है, हम पे एम है यू है एंड ए है, आप इसके बाद आप इसमें अगर एम भी हो तो आप एम भी ले सकते हैं। एम हम किस तरीके से देंगे, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एम एंड इसको दूंगा इसको रन। तो यहाँ पे देखिए इसका नेम का जो सेकेंड कैरेक्टर वो क्या होना चाहिए एम, तो यहाँ पे इस टाइप से आएगा। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हम उन एम्प्लॉय को फाइंड करेंगे जिनकी सैलरी क्या होगी ग्रेटर देन होगी 50,000, तो किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, तो चलिए यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम कमेंट बना लेते हैं
फाइंड एम्प्लॉय ईएमपी कर लेता हूं, फाइंड एम्प्लॉय हूज सैलरी, हूज सैलरी इज ग्रेटर देन आपका 50,000। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे कुछ लाइंस के बाद में कर लेता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर लूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक क्वेरी आएगी। देन इसके बाद एम्प्लॉयज में हम सर्च करेंगे और इसमें क्या करेंगे वेयर का यूज करेंगे एंड वेयर के साथ अब मैं करूंगा कास्ट का यूज, वेयर कास्ट, तो ये हमारा कास्ट करेक्टर। देन इसके बाद हम करेंगे तो यहाँ पे मैं करूंगा सैलरी, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं सैलरी है जो सैलरी को कर दूंगा एंड इसको दे दूंगा मैं सैलरी, एक कॉलम बनाएंगे हम इसको दे देंगे एज केयर एंड कर देंगे इसको ऑफ एंड लाइक का यूज अब हम करेंगे इसमें लाइक का एंड लाइक में दे दूंगा मैं आपका सिक्स, क्योंकि हमें इससे ऊपर चाहिए। देन कर दूंगा मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन दूंगा देन, और अब हम इसमें किस चीज का यूज करेंगे और का, मैंने आपको ये आपको ऑपरेटर बताए थे और का इससे पहले वाले सेशन में, आप देख लेना वो वीडियो आपका और का यूज कहाँ पे होगा। तो आपको बताया जब दोनों में से एटलीस्ट वन कंडीशन अगर आपका क्या होती है ट्रू होती है तो वहां पर और कैरेक्टर का यूज होता है। देन अगेन सैलरी एंड इसको दे देंगे हम केयर एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं अगेन लाइक, क्या होगा हमारा सेवन, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं इसे देन क्लोज, देन कर दूंगा मैं इसको रन। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जिनकी भी सैलरी 50,000 से ऊपर थी वो आपका यहाँ पे आ चुका है। देन जो इसके बाद है तो मैं क्या करूंगा मैं उनको यहाँ पे आई थिंक हम पे सबसे पहले हायर डेट देख लेते हैं, ओके ठीक है हम पे हायर डेट, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय को फाइंड करूंगा जो मैंने क्या करे थे फाइंड एम्प्लॉय हायर्ड आफ्टर आपका 2020, तो जो हमने 2020 के बाद हमने जो एम्प्लॉय दिए हैं तो उनको हम वो करेंगे। देन इसके बाद इसके लिए क्वेरी क्या होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसके बाद किस में से देखेंगे हम अगेन हमारा एम्प्लॉयज वाला है एम्प्लॉयज वेयर वेयर, उसके लिए क्या करेंगे हम हायर डेट, हायर डेट ग्रेटर देन यहां पे क्या लिखूंगा मैं 20 आपका यहाँ पे आएगा 01 एंड 01, यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपका यहाँ पे वाइल्ड कार्ड है, ये भी आपका वाइल्ड कार्ड है, कैरेक्टर जो स्पेशल कैरेक्टर होता है उन्हीं को हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन का भी आप ये समझ सकते हैं कि ये भी आपका क्या है स्पेशल कैरेक्टर है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप ऊपर वाले पे अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज रहे कि मैंने किया क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं जो सैलरी है तो ये क्या है हमारा जो सैलरी है ये हमारा क्या है इंटीजर फॉर्म है, तो मुझे इसको क्या करना था पहले मैंने इसको कन्वर्ट किया कास्ट से, तो यहाँ पे कन्वर्ट किया मैंने इसको किसमें कैरेक्टर में, देन इसके बाद मैंने इस पे यहाँ पे क्या लगाया लाइक ऑपरेटर, देन अगेन मैंने सैलरी को लगाया कि यहाँ पे जिसकी भी सेवन है या सिक्स है वो यहाँ पे हमें दिख जाए। देन मैंने सैलरी को क्या किया और वाले के साथ सैलरी को मैंने क्या कर दिया अगेन मैंने इसको इंटीजर से स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। मैंने आपको बोला था कि जहां पे भी हमारा लाइक ऑपरेटर होता है वो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू में यूज होता है। चलिए देन इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे मैंने भी आपको बताया तो किस तरीके से हम एंडिंग का नेम भी लेंगे, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आपका फाइंड क्या करूंगा एम्प्लॉय ईएमपी, आप एम्प्लॉय समझ लेना इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट डीपीआर कर लेता हूँ मैं इसको डीपीआरटी डिपार्टमेंट विद नेम, सॉरी विद नेम एंडिंग, तो इस टाइम हम एंडिंग का डालेंगे विद नेम एंडिंग इन ए,
जो क्या होगा ए से एंड होगा, ए देन यहाँ पे, तो इसके लिए क्वेरी हम अगेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जहां से हमें देखना है पूरे में से, तो उसके लिए हम अगर आपको पूरा देखना है तो आप इसमें सिलेक्ट स्टार का यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम में पूरी टेबल देखनी है। देन इसके बाद सबसे पहले मैं करूंगा वेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में है इक्वल टू, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इक्वल टू, तो क्या लूंगा मैं यहाँ पे मार्केटिंग लूंगा सबसे पहले, मार्केटिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें मार्केटिंग है। देन इसके बाद मैं क्या लूंगा यहाँ पे एंड ऑपरेटर, एंड जो नेम है इसमें क्या आएगा लाइक, तो सबसे पहले हमारा एंड ऑपरेटर देखा आपने फर्स्ट कंडीशन है डिपार्टिंग इक्वल टू मार्केटिंग आना चाहिए, देन उसके बाद एंड के साथ लाइक आना चाहिए क्या, मैंने सबसे पहले बताया तो आपको यहाँ पे अभी यूज करके अगर आपको एंड का नेम चाहिए तो आपको जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है परसेंटेज वाला वो आपको साइन सबसे टैक्स के बिफोर आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा आपका जो इसका नेम एंडिंग में ए आएगा वो आपका आउटपुट आ जाएगा। देन आप इसको कर लीजिए रन, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे नेम जो मार्केटिंग में है डिपार्टमेंट आई थिंक उनके पास किसी के पास नहीं है, मार्केटिंग वाले तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मार्केटिंग की जगह पे मैं क्या डाल देता हूँ यहाँ पे सेल्स, तो यहाँ पे डाल देंगे हम सेल्स मार्केटिंग में क्योंकि है ही नहीं, एंड कर देंगे इसको अगेन रन, इसको अगेन सेल्स में भी नहीं है, सेल्स में भी नहीं है आपका आई थिंक इसमें है फिर एचआर। देन इसके बाद मैं कर लूंगा यहाँ पे एचआर में क्योंकि हमारा मार्केटिंग में है नहीं, एचआर डिपार्टमेंट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा एचआर डिपार्टमेंट में है या नहीं, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो एचआर डिपार्टमेंट निशा है जिसका लास्ट कैरेक्टर है नेम वर्ड का तो ए है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एचआर मैंने इस मोड में लिखा तो मैं आपको बता दूं कि एसक्यूएल जो MySQL है वो पाइथन की तरफ केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पे आप स्मॉल कैप एंड कैपिटल लेटर का आप यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे जो जितने भी कैरेक्टर हैं जिनके नेम में कोई सभी वर्ड आता है कोई स्पेसिफिक वर्ड हम ले देते हैं, कि सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड द एम्प्लॉय हुज हुज नेम कंटेन, कंटेन किससे होगा कंटेन द लेटर ओ, जिनके नेम में क्या आएगा ओ लेटर आएगा उनको हम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्या रखूंगा मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यहाँ पे अब एम्प्लॉय आएगा जो हमारी टेबल है एम्प्लॉयज, एंड इसके बाद वेयर, तब देखिए किस तरीके से हम वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं वेयर नेम, एंड इसके बाद आएगा आपका लाइक, देन इसके बाद क्या करेंगे हम, तो मैंने कहा था आपको अगर आप सबसे पहले कैरेक्टर के पहले लगाते हैं तो इसका मतलब है आपका लास्ट में आना चाहिए। देन हम क्या कर देंगे यहाँ पे एक और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे जिससे ये होगा कि जिसके क्या होगा नेम में अगर आपका वो किसी ने कंटेन किया हुआ है तो उसका हमें पता चल जाएगा। देन चलो हम देखते हैं ये वाला कोई है रोहित है, एंड आप इसी को चेंज करके क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, एंड यहाँ पे करूंगा उसको पेस्ट, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं आपका किसी के नेम में, सबसे पहले देख लेते हैं मोस्ट कॉमन वर्ड कौन सा होगा इनमें ए ए ए, तो यहाँ पे आई थिंक ए वाला कॉमन है तो यहाँ पे ले लेते हैं ए, देन कर लेते हैं इसको रन। इसके बाद आप देखिए जिनके भी नेम में अगर ए किसी ने कंटेन होल्ड किया हुआ है अपने पास ए कैरेक्टर तो आप उनका नेम आपको दिख जाएगा, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगेन अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ भी अगर आपको इसमें देखना है कि किस तरीके से यूज होगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं आर इज डी एक्स पी, हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या करूंगा मैं एम्प्लॉय नेम करूंगा मैं फाइंड करूंगा एम्प्लॉय नेम हुज नेम स्टार्ट, यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट विथ ए एंड आर, चलो यू कर लेते हैं ए एंड यू, आई थिंक ए एंड यू ठीक होगा।
देन इसके बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पे कर लूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे किस तरीके से होगा यूज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, जो हमारा टेबल नेम है एम्प्लॉयज एंड इसमें क्या है हमारा नेम, सबसे पहले होगा वेयर का यूज, देन इसके बाद हम नेम देख रहे थे। तो मैंने कहा था आपका कुछ वाइल्ड कार्ड ऐसे हैं जो लाइक ऑपरेटर के साथ यूज नहीं हो रहे, तो इसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको REGEXP आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन, इसमें हम किस तरीके से यूज करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले कोट्स के अंदर हम लिखेंगे एंड यहाँ पे कैरेट का यूज करेंगे हम, तो ये है आपका। देन इसके बाद मैंने कहा था आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए यू लिख दूंगा मैं एंड कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज। देन इसके बाद कर दूंगा अगेन यहाँ पे सेमी कॉलन एंड देखते हैं क्या ये हमारा। तो यहाँ पे देखिए जिनका भी नेम ए और यू से स्टार्ट होगा तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ इसका यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद आएगा ऐसे आप सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं, सेल्स और मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के लिए किस तरीके से आप यूज करेंगे मैं भी आपको बता दूं। एंड यहाँ पे करेंगे हम इसको यहाँ पे एम्प्लॉयज नेम, नेम की जगह पे हम क्या डाल देंगे डिपार्टमेंट, अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज देखना है मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिपार्टमेंट एंड जो यहाँ पे है ए एंड यू की जगह पे यहाँ पे हम डाल देंगे आपका बैक स्लैश का यूज करेंगे हम इसमें सेल्स एंड इसको स्क्वायर पैकेट था हमारा दूसरा था हम पे बैक स्लैश का हम यूज कैसे करेंगे दिखाता हूँ आपको। सेल्स जो हमारा पहला डिपार्टमेंट है देन इसके बाद करेंगे इसका यूज और इसके बाद दूसरा क्या आएगा आपका मार्केटिंग, तो आप यहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे मार्केटिंग का। देन इसके बाद यहाँ पे क्या कर लेते हैं इसको और डॉलर वाला वाइट कार्ड भी हम यूज कर लेते हैं। देन इसके बाद देन इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा होगा, तो यहाँ पे आने रहा है सेल्स और मार्केटिंग का। देन अगर इसके बाद आप लेटर का देखें इसी तरीके से आप लेटर का यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे डिपार्टमेंट अगर किसी ने नेम में किसी ने अगर आई इसमें होल्ड कर रखा है सपोज कोई भी आपको मैं बता दूं सपोज अगर किसी ने अगर किसी अपने नेम में आई लेटर होल्ड करके है तो रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ किस तरीके से यूज होगा आप यहाँ पे देखिए नेम एंड यहाँ पे अगेन REGEXP रेगुलर एक्सप्रेशन आप लगाएंगे एंड क्या कर देंगे इसको सिंपल सा है आई आप यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन में कर देंगे इसको रन। यहाँ पे देखिए आई जी जिसके नेम में आ गया तो नेम आप आउटपुट में आ गया, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये वाला ज्यादा बेटर है रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक ऑपरेटर से ज्यादा बेटर है अगर किसी के नेम का अगर आपको देखना है। देन आप इसी तरीके से स्टार्ट जिसका नेम क्या होता है जिनका अगर 60 या 7 से अप अगर आपका गेन इसी तरीके से आप इसमें करेंगे बट इसमें आप लाइक की जगह पे क्या करेंगे जिनका 5000 से ऊपर अगर सैलरी है तो यहाँ पे आप इसमें क्या करेंगे यहाँ पे आप क्या करेंगे लाइक की जगह पे क्या कर देंगे आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर देंगे सेम उसमें, तो इसी तरीके से आप इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन का भी आप दिखा सकते हैं मैंने अभी आपको करके दिखाया। देन जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप जिनका नेम भी अगर एस से या कुछ आता है लास्ट में ए वगैरह तो आप उसमें भी रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं बट लाइक ऑपरेटर के साथ ओनली, मैंने अभी आपको बताया जो परसेंटेज है एंड किसका आपका अंडरस्कोर का यूज होता है यही दो वाइल्ड कार्ड ऐसे हैं जो लाइक ऑपरेटर के साथ यूज होंगे, बाकी आप रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ किसी का भी यूज कर सकते हैं।